हेलो एवरीवन सो इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जर्नलाइज्ड लावलीज थ्योरम का रिजल्ट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं सी एस आई आर में इससे रिलेटेड तो जर्नलाइज लावलीस्ट थ्योरम क्या कहती है इफ़ एफ कोई एंटायर फंक्शन है f is an entire function for which there exists a positive number m and a polynomial p such that jumo f this will be less than is equals to m and this p for all z belongs to c complex plane न एफ जी इज इक्वल टू के टाइम्स पी जी फॉर के आखिरी कॉन्स्टेंट है फॉर के आ कॉन्सटेंट ठीक है ये फर्स्ट रिजल्ट है जर्नलाइज जर्नलाइज्ड जर्नलाइज, लवलीज थियोरम का तो देखिए इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी फंक्शन f हमारा एंटायर फंक्शन है और उसके लिए आपको एक m मिल रहा है एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आपको एक m मिल रहा है और यहाँ पर जो हम p का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई पॉलिनॉमियल है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताऊँगी जून 2018 में था तो ये हम डायरेक्टली वहाँ पर यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से वो ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया था तो फंक्शन एंटायर है और हमें एक पॉजिटिव नंबर एम मिल रहा है और पॉलिनोमियल हमारे पास p है सच दैट कि ये जो लिखा है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि जो फंक्शन है मोड है एफ जी का दैट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू एम जो पॉजिटिव नंबर मिला हमें और पॉलिनोमियल ठीक है जी की हर एक वैल्यू के लिए जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बिलोंग कर रही है देन हम कैसे लिख सकते हैं जो फंक्शन हमारा होगा वो के टाइम्स होगा पॉनोमियल का ठीक है यहाँ पे के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है तो ये होती है हमारी जर्नलाइज लावलीस थ्योरम अगर हम लावलीस थ्योरम की बात करें तो वो उसका सिंपल सा जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर कोई भी फंक्शन f हमारे पास फंक्शन ये एंटायर है ओके तो दो चीज़ें हो सकती हैं पहली चीज़ की फंक्शन कैसा होगा बाउंडेड और दूसरा हो सकता है कि वो फंक्शन अनबाउंडेड हो तो लावलीज थ्योरम कहती है कि अगर एंटायर फंक्शन है और वो बाउंडेड है तो ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन एफ़ जो है वो कॉन्सटेंट ही होगा ओके नॉन कॉन्स्टेंट के केस में फंक्शन अनबाउंडेड होता है तो ये हमारी लावलीस थ्योरम का रिजल्ट है कि फंक्शन एंटायर होने पर और बाउंडेड होने पर ये इम्प्लाई होता है कि फंक्शन कॉन्स्टेंट है बट अगर हम जर्रलाइज्ड वे से इसको देखें तो फंक्शन जो एंटायर है आपको के अगर ऐसा मिल जाए सच दैट कि उसका जो मोड है वो उससे लेस आ रहा है और यहाँ पे हम पोलिनियल की बात कर रहे हैं अब क्योंकि यहाँ पर ये यह पोलिनॉमियल है तो हम इस इस रिजल्ट को मैं भी आपको एक तरीके से और बताऊँगी तो आप जी टू दी पार एन करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है एक पोलिनॉमियल है ठीक है तो पी जी यहाँ पर क्योंकि पोलिनॉम्यल है तो आपको ध्यान रखना है जो ऐसी फॉर्म्स जी हो गया या जी टू दी पार एन हो गया वो पोलिनॉमियल में कंसिडर की जा रही हैं और जो हमारा फंक्शन है वो के टाइम्स पी जी होगा ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सटेंशन वर्जन ऑफ लावलीस थ्योरम मैं एल टी दिख रही हूँ लावलीस थ्योरम ओके तो देखिये इसके अकॉर्डिंगली इफ जो हमारा फंक्शन का मोड है जो मैंने अभी आपको बताया ना जर्नलाइज वर्जन का जनरलाइज्ड जो लावरेज में वहीं से हमने ये रिजल्ट लिया है कि जो मोड है एफ जी का इफ़ इट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू एम अब वहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल लिखा था और मोड लगाया हुआ था इस तरीके से तो यहाँ पर हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जी टू दी पार एन है तो यहाँ पर मोड आ गया जी टू दार एन आ गया फॉर मोड जो है दिस इज़ सफिशेंटली लार्ज ओके देन एफ इज एफ क्या होगा एफ इज अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन ओके तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी कि अगर आपका जो एफ जी है हमने इस तरीके से लिखा है ये इंटर कनेक्टेड ही है एक्चुअली एक तरीके से तो यहाँ पर ये बस आप ऐसे बोल लो कि वहाँ पे मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि वो पॉलिनोमियल है दर हमने ये रिजल्ट दिया था अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं और ये हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो एफ़ होगा वो कोई पॉलिनॉमियल होगा और उसकी एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हो सकती है जो यहाँ पर लिखा होगा वो उसकी एटमोस्ट डिग्री होगी ठीक है सो दिस एफ जी मोड ऑफ एफ जी इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम जी टू दी पार एन फॉर सफिशेंटली लार्ज जी के बारे में बात हो रही है देन हम ये कह सकते हैं कि जो एफ होगा वो पॉलिनॉमियल होगा ऑफ डिग्री एटमोस्ट एन ठीक है नेक्स्ट वी हैव सम स्टेटमेंट और हम ये देखेंगे कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स तो पहली स्टेटमेंट है इफ़ a k is bounded then series a k z z to the power k defines an analytic function on the open unit disk तो हमें क्या करना है कि ए के बाउंडेड लेकर चलना है मतलब ये हमारा बाउंडेड है और फिर हम ये शो करेंगे अगर ये बाउंडेड है तो क्या ये जो सीरीज़ है वो एनालिटिक होगी किस पे ओपन यूनिट डिस्क मतलब मोड दिस जी इज़ लेस देन वन के लिए अब क्योंकि दिस ए के इज़ बाउंडेड तो हमें एक एम ऐसा मिल जाएगा जिससे वो बाउंड हो रहा होगा तो हमने इस तरीके से लिख दिया कि दिस ए एन मान लेते हैं ये हमारा है बाउंडेड और ए एन इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम आप के ले लो एन ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से तो क्योंकि ये बाउंडेड है तो हमने इस तरीके से लिख लिया नाउ हम दोनों तरफ जी टू दार एन कर देते हैं देन ए एन एफ जी टू दार एन इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम जी टू दार एन अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ सम्मीशन लगा दूँ बिकॉज आई हैव टू चेक दिस कि ये डिफाइन होगा कि नहीं एनालिटिक मतलब ओपन यूनिट डिस्क में तो यहाँ पर सम्मीशन लगा दें दिस ए एन जी टू दी पावर एन दिस इजिकल्स टू सम्मीशन एम को बाहर कर सकते हैं दिस ठीक है तो ये किस वैल्यू के लिए हमारा कन्वर्जेंट होता है दिस अगर मोड जो जी का मोड है अगर वो लेस देन लेस देन वन होता है तो ये अप्रोच करता है हमारा ज़ीरो के टू अगर इसका मोड ग्रेटर देन वन रहेगा तो ये अप्रोच करता है इन्फिनी के टू मतलब मेरे बोलने का मतलब जस्ट इतना है मान लो जीरो टू दी पार एन है एंड यहाँ पर लिमिट मतलब एंड जो है इन्फिनिटी के टूवर्ड अप्रोच कर रहा है सम्मिशन हम कर रहे हैं सीरीज की बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे इसके मोड पे होता है अगर ये मोड लेस देन वन है तो ये किसकी तरफ अप्रोच करता है जीरो के टूवर्स अदरवाइज मोड ग्रेटर देन वन होने पर ये इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा ओके तो ये वाले इसके लिए हमें चेक करना है कि किसके लिए इसकी वैल्यू कन्वर्जेंट होगी तो वो क्या है मोड आ, मोड ऑफ जी इज लेस देन इज इक्वल्स टू वन अगर ये है तो ये भी होगा दैट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमने लिखा कि इफ दिस इज़ बाउंडेड तो ये वाली वैल्यू जो है वो ओपन यूनिट डिस्क के लिए डिफाइन होगी एनालिटिक होगी तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है इफ़ अब हम बोल रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है दिस इज एनालिटिक अब हम ये खुद ही लेकर मानकर चल रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कैसा है एनालिटिक है किसमें ओपन यूनिट डिस्क में तो मैं मोड मोड ऑफ जी इज लेस देन वन लिख देती हूँ क्योंकि ओपन डिस्क है देन क्या इससे ये कॉन्क्लूड कर पाएंगे कि ये जो ए के है दिस सीक्वेंस दिस सीक्वेंस मस्ट मस्ट कन्वर्ज टू जीरो कि ये ज़ीरो को ही कन्वर्ज करेगी तो थोड़ा सा अब जस्ट हमने एक कन्वर्स वे में बोला है वहाँ पे बाउंडेड था और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कन्वर्ज करेगा ज़ीरो का या नहीं तो हम इस तरीके से एक काम कर सकते हैं कि ए के को हमने चूज़ कर लिया के प्लस वन बाय के अब इस पर अगर हम बात करें इसकी दिस इज के सीरीज़ की तो यहाँ पर ये हो जाएगा के प्लस वन बाई के और जी टू दी पार के अगर ये कब किसके लिए एनालिटिक है दिस इज़ एनालिटिक फॉर मोड ऑफ जी इज लेस देन वन हमने इस तरीके से लिया है ये और ये तो हमारा एनालिटिक है बट अगर हम इसको ये चेक करना चाहें कि ये कन्वर्ज करता है जीरो को या नहीं तो क्या करेंगे लिमिट के इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी ये था हमारा के प्लस वन बाई के तो ये हो जाएगा आपका कैसे के कैंसिल कर सकते हैं केक को कॉमन ले, ले लेते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा के वन प्लस वन बाय के कैसे के कैंसिल इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड कराएंगे वन बाई इन्फिटी इज इक्वल्स टू जीरो आंसर कितना आ गया वन जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ये ट्रू नहीं है अगर आप ए के कुछ ऐसा चूज कर लेते हो और हमने जो सीरीज़ भी देखी वो अनालिटिक है इसके लिए बट जब हम लिमिट निकाल रहे हैं तो लिमिट जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आ रही तो जो सो सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज़ रॉन्ग ये चीज़ आप आर ओ सी से चेक कर सकते हो कि एनालिटिक है या नहीं यहाँ पे ए के की वैल्यू ये है तो आप ए एन प्लस वन ये रेशियो निकाल लो इसका तो ये रेशियो क्या हो जाएगा सबसे पहले एन प्लस वन करना है तो ये हो जाएगा दिस विल बी के प्लस टू बाय के प्लस वन देन इन टू में बाय के है एनथ टर्म हाँ दिस विल बी के प्लस वन एंड के कॉमन ले सकते हैं हम दोनों में से यहाँ से मैंने के कॉमन ले लिया दिस विल बी वन वन प्लस टू के के स्क्वायर हो जाएगा तो दोनों तरफ से के कॉमन ले लिया दिस विल वन बाई प्लस और यहाँ पर भी यही सेम आ जाएगा के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल लिमिट एंड के के टू इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी दिस विल बी जीरो जीरो एंड जीरो आंसर आ गया वन तो ये वन बाय आर का होगा आर ओ सी हम निकालेंगे तो आर इजिक्वल्स टू वन आ जाएगा ठीक है तो ये जो इस तरीके से हमने चूज कर रखा है कि ये एनालिटिक होना चाहिए उस पर थर्ड पॉइंट है इट इज़ रिलेटेड टू पावर सीरीज सो ये वन है कि जो हमारा एफ सी है दिस इज इक्वल्स टू ए के जी टू दी पार के जो जी फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंडेड है बी के जी टू दी पार के और ये जो दोनों पावर सीरीज़ हैं उनका जो आर ओ सी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है दोनों का ही क्या है वन है ओके okay? और इनके अगर हम प्रोडक्ट की बात करें एफ़ इंटू जी की बात करें ऐसा होने पर देन ये कह रहा है देन जो इनका प्रोडक्ट होगा इसके पावर सीरीज़ की जो रिप्रजेंटेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी सी के जी टू दी पार्क के और ये भी किस पेनालिटी होगा ओपन यूनिट डिस्क में मतलब ठीक है तो देखिए ये हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर दो पावर सीरीज़ हैं और दोनों पावर सीरीज़ का जो आर जो भी होगा वही आर उनके प्रोडक्ट का भी होगा ओके तो ये पहली जो पहला जो हमारा पावर सीरीज़ है उसका भी रेडियो आर ओ वन है दूसरे का भी आर ओ वन है जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसी फॉर्म मिल जाएगी इसका ए था इसका बी था जो भी सॉल्व करने के पे आपको सी के टाइप की फॉर्म मिल जाएगी बट जो आर होगा आर विल बी स्टिल रिमेन सेम जो अगर वन है तो वन ही यहाँ पर भी रहेगा ठीक है तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इफ़ एफ जी इसको हमने पावर सीरीज़ की फॉर्म में लिख लिया ए के जी टू दी पार के इट इज़ रनिंग फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनीटी और इसका जो आर ओ सी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है दैट इज़ वन देन अगर ऐसा है तो फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ओमेगा और ओमेगा कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है जी बिलोंग्स टू दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड मोड जो होगा इसका लेस देन इज इक्वल्स टू वन होगा तो हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स क्लियरली पता चल रहा है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है हाँ, हमने कोई भी एफ एफ फंक्शन ले लिया जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है वन ठीक तो है तो रेडियस अगर कन्वर्जेंस वन है दैट मीन्स कि मोड जो इसका जीरो रे अगर लेस देन वन के लिए तो ये कन्वर्जेंट रहेगी आर ओ सी की बात यहाँ पर हो रही है वी आर नॉट श्योर अबाउट अगर वन पे क्या होगी इसकी वैल्यू तो सिंपल आप कोई भी फंक्शन एफ जी ले लो वन बाई जी माइनस के टाइप सॉरी वन बाई वन माइनस जी टाइप वन है ना आर ओ सी तो इस तरीके से फंक्शन लेना पड़ेगा मतलब कि एफ़ जी इज इक्वल्स टू समीशन जी टू दी पार के इस टाइप से फंक्शन हमने लिया हुआ है आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये वन बाय वन माइनस जी ही मिलेगा इसको ओपन करके आप चेक कर सकते हो तो आप इसमें देखोगे जो इसका आर ओ सी है मतलब मोड जो लेस देन वन के लिए ठीक है यार ओ सी इसका वन ये वन यही आ रहा है बट अगर हम इज इक्वल्स टू वन के लिए बात करें क्योंकि इस ओमेगा में इस वन को भी इंक्लूड कर रखा है बट उस पर जो है वो फंक्शन जो है वो सॉरी इस पर जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा इज इक्वल्स टू वन पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस कॉन्टिन्यूस नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी हमारे पास कोई ओपन यूनिट डिस्क है ओपन यूनिट डिस्क जो कि सेंटर्ड है एट जीरो पे ठीक है देन फंक्शन हमें गिवन है यू यू प्लस आयोटा वी इमेजनरी एंड रियल पार्ट है फंक्शन इज फ्रॉम डी टू सी ठीक है एंड दिस इज एनालिटिक जी को अगर हम ऐसे पावर सीरीज में लिख रहे हैं एन जी टू दी पावर एंड ये इसकी पावर सीरीज है और हम ये कहते हैं कि देन एफ जो है वो कांस्टेंट होगा देन एफ इज कांस्टेंट तो हमें बताना है कि कब तो इफ़ वाला केसेस है सबसे फर्स्ट में इफ़ एफ इज एनालिटिक हो अगर एफ एनालिटिक होता है तो क्या फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा क्वेश्चन को देख लेते क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एफ इज़ फ्रॉम डी टू सी यहाँ पर डी डोमेन किस तरीके से ओपन यूनिट डिस्क है मतलब सेंटर है जीरो पर और ओपन यूनिट डिस्क फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से हमारा डी टू जो सी है हमारा फंक्शन है सिंपल एफ फिजिकल्स टू यू प्लस आई यू वी टाइप का फंक्शन एनालिटिक है यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में कि यू एंड वी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट है तो और ये इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन इस तरीके से लिख सकते हैं बस जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ओपन यूनिट डिस्क की यहाँ पे बात कर रहा है डोमेन की तो फंक्शन कांस्टेंट होगा कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिस पे फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाए तो पहला है क्या एनालिटिक होने पर फंक्शन कांस्टेंट होगा सो दिस इज़ करेक्ट कैसे अगर फंक्शन एनालिटिक है दैट मीन्स हमारे पास एक रिज़ल्ट है जब भी हम फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दो जेड के कॉन्जुकेट पे अगर वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो फंक्शन हमारा एनालिटिक होता है क्लियर अब इसी तरीके से अगर हमारा जो पावर पावर सीरीज जो हमारे पास है वो ये है अगर हम इसके कॉन्जुकेट की बात करें तो ये हमें मिलेगा दिस ए एन इसका कॉन्जुकेट और इसका कॉन्जुकेट हो जाएगा इसको क्या करना है डिफ्रेंशियट करना है कॉन्जुकेट के सॉरी कॉन्जुकेट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये जी टू दी पावर एन था उसका हमने कॉन्जुकेट कर रखा था तो एन आगे आ जाएगा इसका कॉन्जुकेट जी टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो इस पर थोड़ा तो कॉन्जुकेट एज इट इज़ रहेगा हमने इस फंक्शन का जो पावर सीरीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसका हमने कॉन्जुगेट इसलिए लिखा सो so दैट ये जो फॉर्म है वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में बन जाए और हम इसका डिफ्रेंशिएट कर सकें डिफरेंशिएट अगर ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा अनालिटिक और इसको ये अनालिटिक कब होगा जब ये किसके बराबर हो जाए ज़ीरो के बराबर ये ज़ीरो के बराबर कब होगा जब ये इसका कॉन्जुगेट है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए और अगर ये ज़ीरो के बराबर हो जाता है फॉर ऑल एन हैंस जो हमारा फंक्शन है वो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के अगर जीरो के इक्वल हो गया तो फंक्शन कैसा हो गया कांस्टेंट ठीक है और यही चीज़ हमें बताना था कि फंक्शन कांस्टेंट होगा या फिर नहीं तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस केस में ये कांस्टेंट हो जाएगा इसी से रिलेटेड जो सेकंड पॉइंट है हमारा उसमें u हाफ पे इसकी वैल्यू दिस विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू u g फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू दी डोमेन अब हमें पता है कि डोमेन जो है वो हमारा कैसा है मोड जो जी है वो लेस देन वन है मतलब ओपन यूनिट डिस्क है इस तरीके से वो ओपन यूनिट डिस्क है और सेंटर है ज़ीरो पर उसका और ये बोल रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है ये जो यू फंक्शन की वैल्यू है वो हाफ पर मैक्सिमम है मतलब आप जी की कोई भी वैल्यू ले लो डोमेन से आप कोई भी वैल्यू ले लो पर जो मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है हाफ़ पे मिल रही है दिस इज़ वन इसको हाफ़ मान लो ये हो जाएगा आपका दिस इज़ वन ये हाफ मान लेते हैं तो इस पे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलेगी अब हम कोई भी पॉइंट ले लें डोमेन से पर इस पे मैक्सिमम मिल रही है दैट मीन्स कि बाय मैक्सिमम मॉड्यूलस थ्योरम उसका इस्तेमाल करके हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा एफ़ इज़ कांस्टेंट ऐसा क्यों कह सकते हैं मैंने लास्ट टाइम भी जब डिस्कस किया था मैक्सिमम मॉड्यूल्स के बारे में तो मैंने आपको दो रिजल्ट बताए थे मैक्सिमम मॉडल्स का मतलब क्या है कि फंक्शन की आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी तो दो चीज़ें हो सकती हैं हो सकता है जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको बाउंड्री पर मिल जाए और हो सकता है इनसाइड दी डोमेन मिले इनसाइड दी डोमेन ये दोनों चांसेस हैं जब हमें इनसाइड द डोमेन मिलती है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो ये इम्प्लाई करता है कि एफ़ जो है वो कांस्टेंट है बट इन केस बाउंड्री पर मिल रही है तो ये इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं है या ऐसे बोल लो कि जब एफ़ जो है नॉन कांस्टेंट होता है तब हमें बाउंड्री पर उसकी वैल्यू मिलती है अब आप इस केस में देखिए ओपन यूनिट डिस्क था और जो वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल रही है वो हाफ पर मिल रही है जो इनसाइड द डिस्क है दैट मीन्स कि फंक्शन कैसा है क्या इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन इज कॉन्स्टेंट तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें कंडीशन बता बना बतानी थी कि कौन से कंडीशन पे हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट रहेगा तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी ये इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में हमें एक पावर फंक्शन की पावर सीरीज गिवन है एफ जी इज़ इक्वल्स टू समीशन माइनस वन टू दी पावर एन जी टू दावर टू एन प्लस वन बाई टू एन फैक्टोरिया ये हमें गिवन है पावर सीरीज़ और हमें फ़र्स्ट ऑप्शन ये है कि क्या इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर ओ सी जो है एफ जी का वो इनफाइनाइट होगा तो ये हम चेक कर लेते हैं अगर हम इसका निकालें तो ये हो जाएगा ए एन प्लस वन बाई ए एन ये आ जाएगा वन बाई आर ये अब लिमिट लग जाएगी दिस विल बी वन बाई टू एन प्लस वन फैक्टोरियल और ऊपर हो जाएगा एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल नीचे हो, उसको ओपन कर सकते हैं टू एन सॉरी जब उसको ब्रैकेट ओपन करोगे दिस विल बी टू एन प्लस टू इसका होल फैक्टोरियल हो जाएगा तो टू एन प्लस टू टू एन प्लस वन और यहाँ पर ये टू है और लास्ट में आ जाएगा टू एन फैक्टोरियल ओके तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा लिमिट अभी भी हमारी चल रही है एन टेंस टू तो इंफिनिटी वन बाई आर वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा दिस इंप्लाई आर की वैल्यू क्या गई इंफिनिटी तो ये फर्स्ट करेक्ट है कि इसका जो आर ओ सी है वो कैसा है इंफानेट सेकेंड एक सेट है हमारे पास एफ जी और इसमें जो एक्स है वो आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या ये बाउंडेड होगा तो एफ़ जी की वैल्यू क्या है दिस इज़ एफ जी और यहाँ पर इसने बोला है कि एक्स जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है तो अगर हम यहाँ पर एफ़ एक्स की वैल्यू निकालें तो दिस विल बी समीशन माइनस वन टू दी पावर एन यहाँ पर टू एन का फैक्टोरियल हो जाएगा दिस विल भी एक्स टू एन प्लस वन अब इसको ओपन कर लेते हैं एन की वैल्यू को वेरी कराते हैं वन बाय वन ये चल रहा है ज़ीरो टू इन्फिनिटी जब एन की वैल्यू ज़ीरो है तो ये तो आपका वन हो जाएगा सबसे फर्स्ट वैल्यू एन की वैल्यू जब हम वन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वन और टू प्लस थ्री एक्स टू दावर थ्री हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा टू फैक्टोरियल ज़ीरो करना था ओके okay, सॉरी सबसे पहले ज़ीरो कर लेते हैं तो ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा वन आ जाएगा एक्स और यहाँ पर ज़ीरो करेंगे दिस विल बी ज़ीरो फैक्टोरियल दैट इज़ वन साइन यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा सो दिस इज़ इक्वल्स टू नीचे वन फैक्टोरियल इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे वैल्यूज़ पुट करना तो ये हो जाएगा प्लस एक्स टू पावर फाइव फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन यहाँ पर ऑल्टरनेट साइंस चलते रहेंगे एक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर फोर बाई दिस फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन जब हमारे एक्सपेंशन में इवन uh, पावर्स चलती हैं और फैक्टोरियल रहता है तो ये किसका एक्सपेंशन होता है कॉस का अगर ऑड पावर्स होती तो ये साइन का एक्सपेंशन होता तो ये आपका आ जाएगा एक्स कॉस एक्स मतलब कुछ नहीं किया जो हमारा फंक्शन था उसको हमने सिर्फ ओपन करा है एक्सपेंड किया है जो सीरीज़ की फॉर्म में लिखा हुआ था तो यहाँ से हमें जो मिला फंक्शन कैसा है एक्स कॉस एक्स जिसकी एक्सपेंशन जिसकी पावर सीरीज हमें क्वेश्चन में दे रखी थी तो अगर हम इसके बाउंडेड होने की बात करें तो ये मोड लग जाएगा यहाँ पर मोड लग जाएगा मतलब कि जो एक्स वैल्यू आ रही है हमारे पास वो वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो जो सेट है वहाँ पे एक्स हमारा आर से बिलोंग करेगा ये है आर आर से बिलोंग करेगा दैट मीन्स कि बाउंडेड तो नहीं है ये कैसा है अनबाउंडेड है तो सेकेंड इज रॉन्ग ये हो जाएगा आपका अनबाउंडेड सेकेंड रॉन्ग हो गया थर्ड अब थर्ड भी थोड़ा सिमिलर सा है कि सेट एफ जी टाइप का ही है बट यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन से ग्रेटर होगी और वन से स्मॉल होगी यहाँ पर देरखा है दिस इज बाउंडेड फर्दर इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं अभी हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई थी एफ जी की जी कॉस जी मैंने एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ था तो वो यूँ था एक्स कॉस एक्स तो यहां पर भी आप सेम वही कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हमने इसका मोड निकाला था मोड इसका आया था दिस और ये वैल्यू तो ये तो खुद ही कह है कि जो माइनस वन और वन के बीच में ही रहेगी तो फंक्शन कैसा हो गया बाउंडेड इसकी लास्ट स्टेटमेंट है इसके पास इनफाइनाइटली मेनी जीरोज होंगे एफ जी हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोज तो हमारा फंक्शन क्या था हमारा फंक्शन था एफ जी इज़ इक्वल्स टू जी कॉस यहाँ से जीरोस निकाल लें सिंपल आप इसको इक्वेट कर दो ज़ीरो से तो कॉस की तो काफ़ी सारी जी की काफ़ी सारी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी जिस पे फंक्शन जो है वो कैसा होगा जीरो हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन ऑड पावर्स होती हैं किसकी सॉरी पाई बाई टू के जो भी मल्टीपल्स हैं ऑर्ड अगर हम लेते हैं तो उस पर क्या देता है ये ज़ीरो देता है तो ठीक है तो टू वन प्लस वन पाई बाय टू इस पर आपको हर बार जीरो मिलेंगे कॉस एट ऑफ कॉस कॉस में या साइन में ऐसा कुछ भी होता तो इनफाइनेटली मैनी जीरोज आते जब जब वो रोटेशन के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन्फाइनेटली मैनी जीरोज होंगे लास्ट ऑप्शन में तो ये भी करेक्ट है उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है इट इज़ रिलेटेड टू सिंगुलैरिटी क्योंकि uh, जो मैं रिज़ल्ट अभी डिस्कस कर रही हूँ वो कंबाइन है पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दो तीन दो तीन टॉपिक्स से रिलेटेड है तो ये जो रिज़ल्ट है वो सिमुलैरिटी का है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सो रिज़ल्ट इज़ इफ़ जी एक फंक्शन है और उस पर सपोज करो आपको पोल मिलता है किसी भी पॉइंट जी नॉट पे देन अगर इस फंक्शन को हमने एक्सपोनेंशियल में कर दिया इसी सेम फंक्शन को हमने अगर हम एक्सपोनेंशियल में कर देते हैं तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी देगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी उसी पॉइंट पर ठीक है एबर्स को समझ लो जैसे कि मान लो आपको निकालना है एक्सपोनेंशियल में एक यहाँ पर फंक्शन दे रखा है और उसका पूछा हुआ है कि कौन सी सिंगुलैरिटी होगी ओके अब सिंपल अगर क्वेश्चन होता है लाइक like अगर इस टाइप से दे दें ई टू दी पार वन बाई जी ई टू दी पार वन बाई जी स्क्वेयर तो इन या फिर ऐसे भी दे दे वन माइनस वन बाय जी स्क्वायर ऐसे क्वेश्चन ऐसे में क्या है कि हम ईजिली एक्सपोनेंशियल uh, को एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्स की जगह पर इस वैल्यू को पुट करके ये चेक कर सकते हैं कि कितनी नेगेटिव टर्म्स हैं फाइनाइट हैं इन फाइनाइट तो वहाँ से थोड़ा आसान पड़ जाता है बट अगर मान लो कि एक्सपोनेंशियल में जो हमें फंक्शन दे रखा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसका एक्सपेंशन करने पर थोड़ा टाइम लग सकता है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं अगर आपको सिंगुलैरिटी ही पता करनी है तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया होगा ना इस फंक्शन का नाम अभी यहाँ पर इस रिजल्ट में मानकर चल रहे हैं कि मान लीजिए मान लीजिए जी फंक्शन है तो आप क्या करो कि उसका सिंगुलैरिटी चेक कर लो अगर उस इस फंक्शन पर आपको सिंगुलैरिटी पोल मिल रही है किसी भी पॉइंट जी नोड पर हम बात कर रहे हैं अगर आपको पोल मिल रही है तो आप ओवरऑल की बात करोगे तो सिमुलरिटी उस केस में एसेंशियल सिमुलरिटी होगी एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको उसको समझाती हूँ ये जो क्वेश्चन है वो जून 2012 में आया था तो इस क्वेश्चन में f z की वैल्यू गे है एक्सपोनेंशियल z बाय वन माइनस कॉस जी तो आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है एक्सपेंशन e इसका एक्सपेंशन इस्तेमाल करना है और फिर जहाँ पर x होगा वहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी होगी तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो इसके लिए आप क्या करो ये जो फंक्शन है g फंक्शन मान लो या और इसका सिंगुलैरिटी निकालो और जो अगर इसकी सिंगुलैरिटी पोल है तो इस पूरे फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी होगी वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो जाएगी तो ये हो जाएगा इसको हमने मान लिया जी फंक्शन एंड दिस इज ई बाय वन बाय कॉस तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा so 1 -1, 0, okay? तो वन माइनस वन दिस विल बिकम ज़ीरो ओके तो यहाँ पर जो जी नॉट पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो हमारा हो जाएगा कॉस ज़ीरो ओके सो ये फाइंड करने के लिए कि इसके पास सिंगुलरिटी कौन सी है सो लिमिट ज़ी टेंस टू ज़ीरो इस फंक्शन पे और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट जी टेंस टू ज़ीरो दिस विल बी जी माइनस वन बाय कॉस जी जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये जगह ज़ीरो ज़ीरो बाय जीरो की फॉर्म हो जाएगी इसलिए इस एल रूल लगा कर डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी वन और ये हो जाएगा आपके पास साइन जी अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे लिमिट जी टेंस टू जीरो तो ये तो ज़ीरो ही दे देता है वन बाय ज़ीरो तो यहाँ पर जो लिमिट है ये जब यहाँ पे जीरो करोगे तो ये जगह वन बाई जीरो लिमिट क्या है लिमिट आपकी आ जाएगी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे आपको क्या मिलता है पोल तो पोल आपको मिल रहा है किस पॉइंट पर जीरो पॉइंट पर दैट मीन्स कि आपको पूरे फंक्शन की निकालनी है तो आपको एसेंशियल सिमुलैरिटी मिलेगी पॉइंट क्या होगा जी नॉट इज इक्वल्स टू जीरो तो मैं ये चीज़ आपको कह रही थी कि आप जो एक्सपोनेंशियल में फंक्शन है उसका सिंगुलैरिटी चेक कर लो अगर वहाँ पर पोल सिंगुलैरिटी आपको मिल रही है जिस भी पॉइंट पर मिल रही होगी वो सिंगुलैरिटी आपकी सॉरी वो उसी पॉइंट पर आपको एसेंशियल सिमुलैरिटी मिलेगी पूरे फंक्शन की नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सो इसमें हम फंक्शन ले रहे हैं फ्रॉम सी टू सी एंड ये हमें गिवन है कि एनालिटिक है देन कहते हैं कि देन एफ इज़ पॉलीनोमियल इफ़ पॉलिनोमियल कब होगा कौन कौन से केसेस में ये पॉलिनोमियल होगा सो so, फर्स्ट अगर मान लीजिए लिमिट जी इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी और आपको एफ जी की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी मिल जाती है तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा येस इट विल बी अ पॉलीनॉमियल क्योंकि आप आपको पता है कि जब आप लिमिट जी टेंस टू जी नोड करवा रहे हो तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं वेन लिमिट जी इज स्टेंडिंग टूअर्ड जी नॉट और फंक्शन की वैल्यू आपको जो भी मिल रही है तो तीन चांसेज हैं तीन सॉरी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हो सकता है आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाए सेकेंड पॉसिबिलिटी है इन्फिनिटी मिल जाए लिमिट और थर्ड पॉसिबिलिटी uh, है कि लिमिट एक्ट एग्जिट ही ना करें तो तीनों के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिंगुलैरिटीज़ है इसके लिए रिमूवेबल है इसके लिए पोल है इसके लिए असेंशियल सिंगुलैरिटी है तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है एज लिमिट जी इज स्टेंडिंग जी नॉट मतलब जी नॉट यहाँ पर इन्फिनिटी है तो आप को लिमिट uh, क्या मिल रही है इन्फिनिटी uh, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सिंगुलरिटी कैसी है पोल दैट मीन्स कि इस फंक्शन को इस फंक्शन के पास पोल सिंगुलरिटी है इस वाले पॉइंट पर और जब भी ऐसा होता है इन्फिनिटी पर आपको पोल मिल रहा है सॉरी इन्फिनिटी पर आपको इन्फिनिटी लिमिट मिल रही है तो ये इम्प्लाई करता है कि ये हमेशा एफ़ जो है दिस विल इम्प्लाई एफ़ इज़ पॉलिनोमियल ये रिजल्ट मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में एंड वन मोर थिंग मैंने अभी एक रिजल्ट डिस्कस किया था मैक्सिमम मॉड्यूल्स से रिलेटेड सो so, इसका लिंक आप लोगों को ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के तो उसमें मैंने मैक्सिमम मिनिमम मॉड्यूल्स और लेमा ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं उनका जो रिज़ल्ट है किस तरीके से अप्लाई करना है कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट हर एक केस के लिए बताया हुआ है और आपको याद करने का वे भी बताएगी कि किस तरीके से आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो तो आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो पर ज़रूर देखें और जहाँ तक इसकी बात है कि एफ़ पॉलिनॉमियल होगा तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी जैसे लिमिट z इज़ स्टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एफ जी पर आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है या तो इस तरीके से दिया हो या फिर वन बाई जी इज ईक्ल्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पर लिमिट z इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो तो वन बाय ज़ीरो जो है वो इन्फिनिटी बना देगा चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो यहाँ पर आप कहोगे कि पोल मिल रहा है एट जी नॉट इज इक्व टू इन्फिनिटी पर यहाँ पर आप बोलोगे कि पोल मिल रहा है एट जी इज ज़ीरो दोनों एक ही बात है इसको चेंज कर रहे हैं तो वो इन्फिनिटी ही बना रहे हैं ये रिजल्ट क्या इंप्लाई करते हैं कि एफ कैसा होगा दिस विल बी पॉलिनोमियल तो आपको ये याद रखना है तो फर्स्ट जो है इस केस में ये करेक्ट हो गया सेकंड है लिमिट जी इज स्टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एंड एफ जी दिस इज़ इक्वल्स टू एम तो मैंने जस्ट अभी जो आपको बताया कि तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इसमें आपको कौन सी पॉसिबिलिटी दिख रही है फाइनाइट कोई वैल्यू आई है जब कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो क्या एम्प्लाई करता है कि इस फंक्शन के पास कौन सी सिंगुलारिटी होगी रिमूवेबल सिंगुलारिटी होगी किस पॉइंट पर होगी इन्फिनीटी पर होगी ओके okay? यहाँ से डायरेक्टली हम एम्प्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा कॉन्स्टेंट होगा आप ये देखो कि इसकी जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है वो आपको इन्फिनिटी पे मिल रही है ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन कैसा होगा कांस्टेंट या फिर आप ये बोलो कि फंक्शन कैसा होगा एंटायर होगा लावली स्वर हमें ये बताती है कि अगर फंक्शन एंटायर है और वो बाउंडेड भी हो जाए तो वो ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट है तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है रिमूवेबल सिंगुलारिटी मिले और इन्फिनिटी पर मिल रही है तो फंक्शन आपका हो जाएगा कॉन्स्टेंट आप देखो वो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया कि आपको पोल मिल रहा है सिंगुलारिटी में और इन्फिनिटी पर मतलब इन्फिनिटी पर अगर पोल मिल रहा है तो वो तो ये इम्प्लाई कर रहा है डायरेक्टली कि फंक्शन पोलिनॉमियल होगा ठीक है इसमें है कि इन्फिनिटी पर रिमूवेबल सिंगुलारिटी मिल रही है तो ये इम्प्लाई ये नहीं करता कि वो पोलिनॉमियल है वो ये ये इस केस में ये इम्प्लाई हो रहा है कि फंक्शन जो है कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो हम इसको पोलिनॉमियल भी बोल सकते हैं और इस रीजन की वजह से ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो रहा है ठीक है पोलिनोम्स तो आपके सारे जो है कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो भी पोलिनोम्स में कंसिडर किया जा रहा है इस वजह से करेक्ट हो गया फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका एंटायर इसमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी तो ये बहुत ही डायरेक्टली आया था इसलिए मैंने बोला कि जो एफ जी का मोड है दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम जी टू दावर मोड जो है इसका टू द पावर एन और यहाँ पर लिखा है फोर दिस सफिशियंटली लार्ज वैल्यू ऑफ एन सफिशियंटली लार्ज एन फॉर सम एन क्वेश्चन में बोला था कि पॉलिनॉमियल का केस आप यहां पर देख सकते तो तो वही सेम कंडीशन है आपकी कि जो फंक्शन का यहां पर आपको कोई एग्जिस्ट करेगा एम और यहां पर एक पॉलिनोमियल होगा ठीक है तो वही कह रहा है कि अगर कंडीशन ये हो तो ये भी एप्लाई कर रहा है एफ इज़ पॉलिनोमियल ये आपका जर्नलाइज जो लावलीस थी मैं वो ये इंडिकेट करता है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया सो आई होप so आपको जो भी मैंने रिज़ल्ट डिस्कस किए इस वीडियो में क्लियर होंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं इसी तरीके से कुछ और रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी आपको हेल्प करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ एंड थैंक यू